तमिलनाडु के सलेम जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर टीम इंडिया की जर्सी में खेलने की ये कहानी एक सिनेमा का नाम है, जिसका हीरो पहले मेहनत को अपना जीवन का हिस्सा बनाता है, रिसोर्सेज ना होते हुए भी खुद को निखारने का काम करता है, मेहनत की जमीन पर खड़ा होकर सफलता का दरवाजा खटखटाता है, और फिर एक दिन कहानी बदल जाती है। जिसके लिए कभी टेनिस बॉल भी महंगी पड़ती थी, उसी क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जाकर अपनी गेंदों से तहलका मचा दिया। थंगरासु नटराजन, शॉर्ट में टी नटराजन, जन्म हुआ तमिलनाडु में। किसी को कुछ भी बहुत आसानी से नहीं मिलता। टी नटराजन को भी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इसे सिर्फ मेहनत भर कह देने से ही काम नहीं चलेगा। नटराजन के पिता बहुत कम पैसों की नौकरी करते थे। उनकी माँ परिवार को पालने के लिए सड़क के किनारे चिकन की दुकान लगाती और उससे अपने परिवार का पेट पालती थी। संघर्ष के दिनों में नटराजन परिवार को कभी कभी बगैर रोटी खाए भी सोना पड़ा, जिस परिवार के लिए एक समय में रोटी का जुगाड़ करना भी चुनौती हो जाती थी, उसी परिवार से निकलकर क्रिकेट के मैदान पर धाक जमाना किसी चमत्कार से कम नहीं। टी नटराजन के पास कभी जूते नहीं थे तो कभी गेंद नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। पहले टेनिस बॉल से खेलते थे, लेकिन दिक्कतें यहीं नहीं रुकी। रणजी खेलते वक्त उनके एक्शन पर सवाल उठने लगे। खेल को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ गया, लेकिन हिम्मत बनाए रखी। मैदान में लौटने में थोड़ा वक्त तो लगा, लेकिन जब लौटे तो सबको हैरान कर दिया। नटराजन ने एक ही ओवर में 6 यॉर्कर डालकर सभी को हैरानी में डाल दिया। गेम अब पहले से भी बेहतर हो गई थी। इसी बीच मुश्किलें उनकी जिंदगी में रोज बढ़ती चली जा रही थी। एक तरफ क्रिकेट का खेल था तो दूसरी तरफ जिंदगी की परेशानियों से लड़ाई थी। टी नटराजन को गेम पर भी फोकस करना था और अपनी फैमिली की सिचुएशन भी ठीक करनी थी, तो ये सब काफी समय तक चलता रहा। इसी बीच टी नटराजन के गुरु ए जयप्रकाश की उन पर नजर पड़ी और यहीं से धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब लाइफ पहले से कुछ बेहतर होने लगी। टी नटराजन को उन्होंने चेन्नई भेज दिया और उनका हौसला बनकर उनके साथ खड़े रहे। नटराजन को पहली बार तमिलनाडु की ओर से साल 2011 में खेलने का मौका मिला। खेल में नटराजन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आगे नटराजन के लिए राहें खुलने लगी, कई मौके हाथ आए। नटराजन ने ट्रेनिंग में और ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया। इसी तरह कई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन के बाद आईपीएल 2017 में पंजाब की टीम ने उन्हें 3 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन मैदान पर नटराजन का जलवा ज्यादा नहीं दिखा। 6 मैचों में उन्हें सिर्फ 2 विकेट ही मिल पाए। इस दौरान वो चोटिल भी हो गए और कई सारे मैचों में खेल भी नहीं पाए, और इसी वजह से 2018 आईपीएल में पंजाब ने उन्हें नहीं खरीदा। खैर, हैदराबाद ने उन्हें जरूर खरीदा, लेकिन इस बार उनकी कीमत 3 करोड़ से सीधा 40 लाख हो गई थी। खेल बेहतरीन दिखाया, इसलिए उन्हें टीम के अहम सदस्यों के रूप में देखा जाने लगा। जीवन में पैसे आए तो नटराजन ने अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया, बहनों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, तमिलनाडु के अपने गांव में एक क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत की। दूसरी तरफ उनके माता पिता अपने पुराने काम को ही जारी रखे हुए हैं। लाख कोशिशों के बावजूद नटराजन उन्हें मना नहीं पाए। नटराजन क्रिकेट पर लगातार काम करते रहे, मेहनत करते रहे। आईपीएल 2020 में तेज गेंदबाज नटराजन ने डेथ ओवर्स में अपनी असल काबिलियत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबको प्रभावित कर दिया। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नटराजन ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को धूल चटाई। MS धोनी जैसे बल्लेबाज उनके सामने नहीं टिके, विराट कोहली को आउट किया। यहां तक कि AB डिविलियर्स को भी नटराजन ने क्लीन बॉल्ड किया। ये छोटी बात नहीं थी। उसी वक्त लग रहा था कि नटराजन की कहानी यहां रुकने वाली नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नटराजन ने टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा यॉर्कर गेंद डाली। रफ्तार, डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ से उन्होंने सबको चौंका दिया, अपना मुरीद बना लिया, अपना दीवाना बना लिया। पहले तमिलनाडु, फिर UAE और फिर ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का हिस्सा बनने तक का नटराजन का सफर एक खूबसूरत सपने के पूरा होने जैसा है। UAE में हुए इस IPL ने बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज नटराजन के भाग्य को ही बदल कर रख दिया। आगे अभी नटराजन में बहुत क्रिकेट बाकी है। हर दिन क्रिकेट को जीते हुए अब नटराजन में जीतने की ललक और बढ़ रही है, और इसी जीतने की ललक के साथ नटराजन रोज क्रिकेट में अपना नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। टी नटराजन ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने एक ही टूर पर तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू किया है। टी नटराजन की पत्नी पवित्रा ने अभी हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन टी नटराजन के लिए उनकी नेशनल ड्यूटी पहले है, इसलिए वो अभी तक अपनी बेटी को देख भी नहीं पाए हैं। सच में टी नटराजन की कहानी एक खूबसूरत सपने के सच होने जैसा है।
तो कैसी लगी आपको टीनेटराजन की कहानी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।